ओके रीडर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बैंक निफ्टी एनालिसिस डेडिकेटेड। जो लेवल्स पे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, बहुत ही दो प्यारे लेवल्स मैंने आपके लिए निकाले हैं जहां पर आप बाय के लिए प्लान कर सकते हो। अगर वो परफेक्टली नीचे के लेवल्स पे आता है तो हम कहाँ सेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं तो देखिए, बॉटम से लेके ये हमने टॉप तक हमने लगा दिया फिबोनाची। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है बॉस 38.2% के आसपास सपोर्ट ले रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन का यहाँ पर हमको पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट 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 लेते हुए एंड में मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। तीसरा अगर हम लेट्स से एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता है ये लेवल्स के आसपास 37,850 लेवल्स के आसपास जो है इसका ब्रेकआउट लेवल आता है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नियर बाय टू ओपन होता है 37,800, 820, 830, 840 के आसपास, तो हम लोग 850 के ऊपर प्लान करेंगे इसको बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स एटलीस्ट 38,100 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं बट मिनिमम 38,100 के आसपास आ सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर टारगेट है और 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट टारगेट हम लोग ये प्लान और ये प्लान कर सकते हैं। अभी एक दिन पहले 24 आवर्स पहले हम लोग इतना बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते, जैसे कि आपको पता है, जो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल टारगेट्स हो उसको हमको प्लान करना चाहिए। 38,100 के आसपास मार्केट आ सकता है अगर 37,850 को वो ब्रेक करता है, कल 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो देखिए, ये डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग ने क्या किया, टॉप टू बॉटम हमने फिबोनाची लगा के देखा तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 38.2% के आसपास हमको रिजेक्शन होते हुए दिख रहा है। दूसरा अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल के हिसाब से देखें तो देखिए, ये अपर रेंज है और ये है लोअर रेंज। तो कल अगर मार्केट लेट से डाउन ट्रेंड के अंदर है और कल मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे के लेवल्स के आसपास आता है तो नीचे हमको कहाँ शॉर्ट करना है, नीचे हम प्लान कर सकते हैं 37,475। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूं शॉर्ट करने के लिए, यहां पर नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रेकडाउन वाले लेवल्स के आसपास बोल रहा हूं शॉर्ट करने के लिए। वहां पर आपका सेफ्टी होगा। क्यों सेफ्टी होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 100 पॉइंट्स के आसपास होगा। टारगेट क्या दे सकते हैं हम लोग, टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट होगा एक गैप फिलिंग का, ऑलमोस्ट यहां से 300 पॉइंट डाउन की बात कर रहा हूं मैं, 250 से 300 पॉइंट हम लोग इजीली अचीव करेंगे अगर कल बैंक निफ्टी 37,475 के आसपास ब्रेकडाउन देता है तो। 475 के नीचे निकला, वी कैन इंटरवर्ट शॉर्ट एंट्री, 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 37,150 के आसपास। हो सकता है कि और भी नीचे की तरफ आ जाए बट दिस विल बी अ अल्टीमेट प्रॉपर टारगेट जहां पर हम एक दिन पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लेवल्स के आसपास का हम टारगेट रख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि क्या लॉजिक से हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी का अगर हम लोग करंटली चार्ट देखे, मैं आपको दिखा देता हूं, तो निफ्टी जो है अब थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, ना प्रॉपर ब्रेकआउट है ना प्रॉपर ब्रेकडाउन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका कंफ्यूजन कब क्लियर होगा, जब ये लेवल्स के ऊपर निकलेगा या लेट से ये लेवल्स के नीचे आएगा। तो बहुत ज्यादा दूर दूर खड़े हो निफ्टी के अंदर तो कोई इतना अट्रैक्टिव सेटअप या मोमेंटम मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर निफ्टी के आसपास, समझ में क्या नहीं आ रहा है, वहां पर है नहीं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो हमको बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा है, और मैं खुद पर्सनली बैंक निफ्टी को ज्यादा फॉलो करता हूँ तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी का आपको मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।